हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त अनु सिंघल आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक रिटन गेम का आइडिया लेकर आई हूँ, कुछ अंदाज अलग कुछ हटकर। इसके लिए मैंने 1 से लेके 19 तक के कुछ क्वेश्चंस तैयार करे हैं, 1 से लेके 19 तक के कुछ क्वेश्चन तैयार करे हैं, जिसका आंसर मेंबर्स को 1 मिनट या 1.5 मिनट का आपको टाइम रखना है, सबको सर्किल में बिठा देना है, पेपर और पेन दे देने हैं, लेकिन पेपर आपको फोल्ड करके देने हैं जिससे मेंबर इसके अंदर का देख नहीं पाए। वैसे जब तक आप बताएंगे नहीं कि इसमें आपको करना क्या है, मेंबर समझ नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी आप पेपर को ऐसे करके फोल्ड करके देके उनका नाम उनसे लिखवा लें। इस तरह से फोल्ड करके पेपर देंगे, नाम लिखवा लेंगे तो चीटिंग के चांसेस कम होंगे। फिर जब आप टाइम स्टार्ट करेंगे उसके बाद ही मेंबर आंसर को लिखना शुरू करेगा। गेम स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। पिछले हफ्ते भी मैंने कई नॉटी और फनी वीडियो आपसे शेयर करे हैं, आपने बहुत प्यार दिया है। अगर आपका देखने से रह गया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रही हूँ, वहाँ जाके आप नॉटी फनी वीडियो की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। अब हम इस गेम पर आते हैं। इस गेम में मैं आपको कुछ क्वेश्चन पढ़ूंगी तो शायद आपको आंसर समझ में आ जाएगा कि इस गेम में हमें करना क्या है। कार्यक्रम में आपका डैश है, मुझे आपकी सारी शर्तें डैश हैं, भारत एक डैश देश है। देखिए, मैं आपको और कंफ्यूज नहीं करने वाली हूँ, इसमें हमें हिंदी से कुछ वर्ड लिखने हैं। वर्ड कौन से जिसमें आधा सा और वा मिलके वर्ड बनता हो, स्टार्टिंग इससे ही होगी, उसके बाद आपका वर्ड कोई भी हो सकता है, प्रॉपर मीनिंग के साथ आपका वर्ड आना चाहिए और एक वर्ड रिपीट नहीं होना चाहिए। सारे आंसर्स मैंने सेंटेंस इसी हिसाब से बनाए हैं कि सब में वर्ड अलग अलग आएगा, कोई भी वर्ड हमारा रिपीट नहीं होगा। तो अब आपने मेरा गेम समझ लिया है, अब आप मेरे साथ आंसर बोलना शुरू करिए। फिर मैं स्क्रीनशॉट का आपको टाइम दूंगी, आप क्वेश्चन की शीट और आंसर की शीट दोनों आप इससे ले सकते हैं, और नहीं तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए। ईमेल आईडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर रही हूँ, मेल से भी मैं आपको प्रिंट आउट इसका स्क्रीनशॉट प्रिंट भेज सकती हूँ। कार्यक्रम में आपका डैश है, आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, मुझे आपकी सारी शर्तें डैश हैं, भारत एक डैश देश है, हमें अपने घर को डैश डैश डैश। अब मैं आंसर बोलना शुरू करती हूँ। कार्यक्रम में आपका स्वागत है, मुझे आपकी सारी शर्तें स्वीकार हैं, इसमें मंजूर भी आ सकता है लेकिन हमें वर्ड वही लेना है जो आधा सा और वा मिल के आएगा। भारत एक स्वतंत्र देश है, हमें अपने घर को स्वच्छ रखना चाहिए। मैरी कॉम ने भारत के लिए डैश जीता यानी स्वर्ण पदक जीता। भोजन अत्यंत स्वाद है भी चलेगा और स्वादिष्ट है भी चलेगा। अगर दो वर्ड ऐसे होते हैं जो सा और वा मिलके आते हैं और मीनिंगफुल हैं, आंसर ठीक है, तो दोनों वर्ड में ही नंबर आपको पूरे देने पड़ेंगे। इस गलती पर क्रोध आना स्वाभाविक है, दूसरे के बारे में भी सोचो, डैश ना बनो, स्वार्थी ना बनो, दूसरों के बारे में सोचो, ये हो गया। 9 नंबर पे हमारा आता है, डैश सबसे बड़ा धन है, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। हर आंसर में हमें स्व लेना है, स्व से ही जोड़कर ही हमें शब्द को बनाना है। कल रात मैंने एक डरावना स्वप्न देखा, आग में जलकर सब कुछ स्वाह हो गया। सीता ने डैश में राम का वरण किया, स्वयंवर में राम का वरण किया। तुम्हें स्वयं ही जाकर अधिकारी से बात करनी होगी। डैश के आभूषण अति सुंदर दिखते हैं, स्वर्ण के आभूषण अति सुंदर दिखते हैं। जहाँ सभी लोग प्रेम से रहते हैं वह घर स्वर्ग के समान होता है। सरदार पटेल का डैश सन 1950 में हुआ था, यानी देहांत यानी स्वर्गवास 1950 में हुआ था। केदारनाथ शिवलिंग डैश है, किसी ने उसे नहीं बनाया है, मतलब केदारनाथ शिवलिंग स्वयंभू है, किसी ने उसे नहीं बनाया है। अच्छे डैश वालों लोगों से सब प्रसन्न रहते हैं, अच्छे स्वभाव वाले लोगों से सब प्रसन्न रहते हैं। जवानों में डैश प्रेम कूट कूट कर भरा होता है, जवानों में स्वदेश प्रेम कूट कूट कर भरा होता है। फ्रेंड, ये थे कुछ 1 से लेके 19 तक के क्वेश्चंस और मैंने आंसर बोले थे। ये मैंने आंसर की शीट आपको विद आंसर लिख के रखी हुई है, ये मेरी क्वेश्चन की शीट है। पहले आप विद आंसर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टाइम लिमिट में जो मेंबर भी सबसे ज़्यादा सही आंसर दे देगा, वो स्पेलिंग बिल्कुल सही हो, स्पेलिंग मिस्टेक पे भी आप नंबर कट कर सकते हैं, वो हमारे इस रिटन गेम का विनर हो जाएगा। रिटन गेम का ये फ़ायदा होता है कि सारे मेंबर एक साथ खेल लेते हैं, टाइम ज़्यादा नहीं लगता है।
और कभी हमें दो तीन गेम एक साथ कराने होते हैं तो वो मेंबर भी, वो गेम्स भी हो जाते हैं रिटर्न गेम के साथ। ये देखिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और इसका भी ले लीजिए। अदरवाइज कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख के बताइए कि अब आप ऐसे भी ले सकते हैं। और आपको अगर मेरा आइडिया पसंद आया हो तो कंजूसी बिल्कुल भी ना करें लाइक में, आपके लाइक्स और कमेंट मुझे इंस्पिरेशन देते हैं हर बार एक नया वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हम एक और नए गेम से, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू। आप पसंद आया तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।